मैथ्स कंपलसरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए करने के लिए, कौन सा कॉलेजेस बेटर है? अगर आप एंट्रेंस देते हैं तो क्या मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? क्या है डीयू चैट? क्या रहेगा एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस? चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5000 सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है तो ये वीडियो ये चैनल में आपको सबसे पहले मिलता है। और कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कौन सा कॉलेज में जाना है, क्या कोर्स करना है, तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना बिल्कुल मत भूलना। मैं इंस्टाग्राम में आप लोगों को रिप्लाई दे देता हूं। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा अपना डाउट, मैं आपका डाउट जरूर नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। अब पहला सवाल यह आता है कि क्या मैथ्स कंपलसरी है बीबीए करने के लिए इन दिल्ली यूनिवर्सिटी? तो बहुत लोगों का दिल दुखने वाला है। द आंसर इज यस। देखो, मैथ्स इज कंपलसरी सब्जेक्ट, लेकिन टॉप फोर में रखना उसको सब्जेक्ट में कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको एज अ सब्जेक्ट आपको मैथ्स चाहिए ही चाहिए। जो लोग के पास मैथ्स नहीं है, दिल मत दुखाओ, मेरे साथ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से अगर आपका मैथ्स भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं बीबीए कोर्स में, बीएमएस कोर्स में इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर क्या आपका अदर ऑप्शन है, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो एक चीज आपको क्लियर कर दूं, बीबीए करने के लिए या फिर बीएमएस करने के लिए आपको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम, जिसे कहते हैं डीयू जैट। डीयू जैट हर साल कंडक्ट होता है एज यूजुअल एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस में, जो लोग बीबीए और बीएमएस करना चाहते हैं। जैट यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बीबीए कोर्स बीएमएस कोर्स के लिए सिलेबस रहता है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं ये पूरा ध्यान से, क्या मिनिमम मार्क्स है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है। और आपका जब बीबीए लेगा तो आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है और क्लास जो एंट्रेंस में आपका मार्क्स रहेगा उसका वेटेज के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो सवाल जो मन में रहता है कि अगर आप एंट्रेंस देते हैं तो क्या मेरिट बेस के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तो देखो, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। अगर आप एंट्रेंस देते हैं तो आप एंट्रेंस के लिए साथ ही साथ मेरिट के लिए दोनों के लिए एलिजिबल है एडमिशन के लिए। तो आप कोई सा भी कोर्स जिसमें आपको अच्छा लगेगा, आप दोनों में से एंट्रेंस बेस करें या फिर मेरिट बेस करें, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरिट भरते हैं फॉर्म में तो आपको सिर्फ मेरिट ही मिलेगा, एंट्रेंस नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं कि कौन सा कॉलेजेस बेटर रहता है बीबीए के लिए। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, इतना सारा कॉलेजेस है जो बीएमए साथ ही साथ बीबीए देता है, लेकिन बीबीए के लिए सबसे बेस्ट है शहीद सुखदेव कॉलेज और रामानुजन कॉलेज। बीएमएस के लिए ये तीनों कॉलेज तो है, साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय भी जुड़ जाता है। तो ये तीन कॉलेज मैं टॉप में रखता हूं जो बीबीए और बीएमएस दोनों अच्छे से ऑफर करता है कोर्स, फैकल्टी वाइज, प्लेसमेंट वाइज और फीस स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छा है। कहते हैं डीयू जैट का एंट्रेंस एग्जाम कब तक हो सकता है? देखो, 15 जुलाई को अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही आपको भरना पड़ता है कि आप एंट्रेंस देंगे या फिर नहीं। अगर आपका एक महीना भी चलता है तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका रहेगा, और साथ ही साथ 15 अगस्त का 15 दिन बाद से आपका एंट्रेंस चालू हो जाएगा। यानी सकते हैं कि अगस्त में आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आपका एंट्रेंस एग्जाम डीयू जैट का चालू हो सकता है। आप लोग सोचेंगे कि कहां से कोर्स करना चाहिए, कहां से कोचिंग लेना चाहिए, तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं, और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी डाउट है, छोटा सा भी छोटा डाउट है, तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ लीजिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। और अगर बीबीए के लिए बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो यार, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।